ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर वुडन सिटी में यूनिट ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने यूनिवर्सल एजुकेशन ने अकेडमी में शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सलामत खान डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर गर्ल्स डिग्री कॉलेज हरपाली रहे, जिनका सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष बजाज अली खान के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की देन के बारे में विचार विमर्श किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सरकार से स्कूलों के लिए एक राहत पैकेज की मांग की गई, जिसमें सभी प्राइवेट शिक्षक को 10,000 मानदेय प्रतिमा की मांग की गई और सलामत खान जी ने कहा कि सभी स्कूलों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर ही हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में मोहम्मद बुरहान, मुर्शीद राव, मोहम्मद काशिफ, राव महबूब, प्रवेश, समरी फातिमा, शबाना अख्तर, जुबेर खान, अफजल, मोहसिन मलिक, सरफराज खान, मोहम्मद अशफाक, शफकत राणा, शहनुमा आदि उपस्थित रहे। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो इस वजह से रखा गया कि स्कूलों की जो हमारी स्थिति है वो बड़ी दयनीय है और हमें अपनी गवर्नमेंट से शिकायत है कि बिल्कुल वो आग बूंदे बैठी है। आज हमारे जो स्कूल शिक्षक हैं उनकी भुखमरी की हालत है। पिछले 6 महीने से कोई राहत पैकेज जारी नहीं किया गया। समय समय पर हम सरकार को मेमोरेंडम देते रहे, भाई हमारे हालात कैसे सुधरेंगे। आज हमारे स्कूल बंद हैं। टीचर जो प्राइवेट जो 2015 में हमारे यहाँ सर्विस करते थे, आज हम इस काबिल भी नहीं कि हम अपनी टीचर को तनख्वाह दे दें। सरकार की इतनी लापरवाही, अब कैसे चले गए संस्थाएँ, जबकि हमारी जो प्राइवेट संस्थाएँ सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं मुकाबले सरकारी स्कूल के। अगर जो हम अपना रेशो दिखाएं तो हमारे यहाँ से चपरासी कलेक्टर डीएम तक बन के निकलते हैं, और अगर जो उनके हालात देखें सरकारी स्कूल तो वहाँ कुछ भी नहीं है। इस हालात में अब स्कूल चलाने कैसे चलाएंगे। हमें आर्थिक पैकेज और राहत पैकेज दिया जाए, इसलिए हमने प्रोग्राम किया है, हम सब स्कूलों को इकट्ठा किया है कि भाई हमारी मांग जो है सरकार तक पहुँचे, हमारे हालात पर गौर करें सरकार।